अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्लिश व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पता है मेरी कुछ बहनें मेरे से नाराज़ हैं कि मैंने उनकी वीडियोस अभी तक नहीं बनाई, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर बनाऊंगी और जल्द से जल्द बनाऊंगी। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे आके बंदा बिज़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ वीडियोज़ आपके साथ मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द शेयर करूँगी। और रात को मैंने फ़ेस पैक अप्लाई किया था अपने फ़ेस पे, क्योंकि सूरज की वजह से हमारी जो शक्लें हैं ना वो अच्छी तरीके से बिगड़ चुकी हैं और सन टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे रिक्वेस्ट भी थी कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें सन टैनिंग से रिलेटेड क्योर हो, तो वो वीडियो आप लोगों के सामने है और मैं उम्मीद करूँगी आपको अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है 1 to 2 टेबल स्पून योगर्ट, और फिर उसके अंदर आपने एक लेमन निचोड़ लेना है यानी कि नींबू, और उसके बाद आपने उसमें ऐड करनी है एलोवेरा जेल, और इसका फेस पैक बना के आपने रख लेना है। और ये फेस पैक आप 1 से 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपने क्या करना है, सिंपली अपना फ़ेस वॉश करना है, उसके बाद ये फ़ेस पैक अपने फ़ेस पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद हल्का सा रब करना है यानी कि मसाज करना है, और मसाज करने के बाद आपने 15 to 20 मिनट्स इसको रहने देना है अपने फ़ेस पे। इससे क्या होगा, आपकी जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी जो स्किन बर्न हो जाती है सन की यानी कि सूरज की शुआओं की वजह से, तो वो काफ़ी हद तक क्योर हो जाएंगी और आप लोगों को रिज़ल्ट इसका बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। मैं ये यूज़ करती हूँ, 1 दिन बना लेती हूँ, 2 दिन इस्तेमाल कर लेती हूँ फ्रिज में। आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं और आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है, और उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद आपने अपना फ़ेस धो लेना है। किससे धोना है, आपने जो हमारा टैप वाटर होता है उससे हरगिज़ नहीं धोना, आपने कूल्ड वाटर, आइस कूल्ड वाटर लेना है। कूलर से ले लें या अपने फ्रिज में एक बोतल अपने लिए आप लोग रख लें, उससे आपने अपना फ़ेस धोना है अच्छी तरीके से ताकि ये रिमूव हो जाए। तो आप लोगों को इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, इसका रिज़ल्ट वाकई औसम है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग मेरे से नाराज़ ना हुआ करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। बस लेट होने का मकसद ये है कि मैं भी यूनिवर्सिटी में बहुत बिज़ी होती हूँ और कुछ वीडियोस मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएंगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप न्यू हैं, और लाइक शेयर कमेंट करना अगर वीडियो अच्छी लगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।